हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपकी एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गई हूं। यहां पर मैंने कॉटन की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करना दिखा है स्टेप बाय स्टेप एंड कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ शोल्डर की प्लीट्स बनाना भी पता है। सो अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले फुटवेयर, पेटीकोट एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। अब ये जो साड़ी है ये प्योर कॉटन की है। मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया है। बाइंग कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला पार्ट इसका पल्लू है हमारा। ओवरऑल साड़ी पे छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। ऊपर नीचे की तरफ चौड़ा सा बॉर्डर दिया गया है। सो ये जो कॉटन की साड़ी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा आप देखिए फूली फूली सी रहती है। अब यहाँ पर हम साड़ी का एंड सिया यानी नॉन पल्लू साइड इस तरह से लेंगे एंड अपनी राइट साइड से टकिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहले राइट में देखिए हम साड़ी के कॉर्नर को रखते हुए टक की हैं, इसके बाद लेफ्ट में टक करते हैं, फिर सामने के पार्ट को। तो इस तरीके से जो सामने का पार्ट है एकदम एक बराबर टक होता है हमारा। जब हमारा सामने का पार्ट अच्छे से टकिंग हो जाए तब हम अपनी साड़ी को लेंगे इस तरीके से एंड वन राउंड ले लेंगे यहाँ पर, यानी आपको सामने की तरफ लेकर साड़ी को आना है। अब हम यहाँ पर राइट साइड की तरफ टाइटली से खींचते हुए देखिए अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को टक करेंगे राइट में। फिर हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करते हैं। सो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट राउंड की टकिंग है वो काफ़ी टाइट फिटिंग, नीट एंड क्लीन होती है, जिससे हमारा लुक थोड़ा सा स्लिम नज़र आता है। अब काफ़ी सारे लोगों को पैर फैला फैला के चलने की आदत है तो वो अपनी टकिंग को मीड से या नेवल के थोड़ा सा राइट में जाके टकिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पर जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं तो साड़ी उलट पुलट हो सकती है। अब ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है तो इसे हमें बैक से घुमाना है एंड सामने की तरफ लाना है। अब यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे सामने की तरफ छोड़ते हुए पल्लू को हम इस तरीके से पकड़ते हुए इसके दूसरे सिरे को मैं लेफ्ट वाले हैंड से पकड़ ली हूँ। अब पल्लू के दोनों सिरे को पकड़ते हुए यहाँ हम लेफ्ट हैंड से प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में जो पल्लू का कॉर्नर था मैंने स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ा है, सामने की टू फिंगर में फंसाते हुए हम वन बाई वन प्लीट बना रहे हैं। बट हमेशा की तरफ फर्स्ट प्लीट वन या हाफ इंच आप चौड़ी रखिएगा एंड यहाँ पर लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन जो है वो हमारा राइट साइड होना चाहिए, यानी दोनों बॉर्डर एक दूसरे के अपोजिट साइड होने चाहिए। सभी प्लीट्स को हम इक्वल करते हुए यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करेंगे। थोड़ा सा आपको हैंड को ना इस तरीके से उठाते हुए झटकना होता है ताकि थोड़ी सी दूरी पर प्लीट्स ये थोड़ा हमें नज़र आए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी प्लीट्स बिल्कुल नहीं बनी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पहले से बनाया, बट देखिए कुछ भी नहीं बना है। अब ये जो प्लीट हमने बनाई है ना, रेडी की है, इसको आपको अपने पैर के नीचे दबाना है। देखिएगा किस तरीके से मैं दबा रही हूँ, अपने लेफ्ट वाले पैर के नीचे इसे रखते हुए जो प्लीट्स हमने बनाई उसे दबा लेना अच्छे से। एंड अब साड़ी को यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ से उठाना है। यहाँ पर आपकी एक भी प्लीट्स अभी नहीं बनी होगी, बट जब आप इसे टाइटली से खींचते हुए अपने राइट वाले शोल्डर पर रखेंगी तो आपको प्लीट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पर वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज करेंगे। एक एक प्लीट को हम पकड़ के जब खींचेंगे तो वो हमें देखिए खुद ब खुद नज़र आएगी। आप देख रही हैं, आप जब टाइटली से ऊपर की तरफ कोई भी प्लीट्स को बनाकर खींचती हैं तो वो नज़र आने लगती है। सो इस तरीके से हम वन बाय वन प्लीट्स को खींचना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपको एक एक प्लीट्स खुद ब खुद नज़र आने लगेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये है कि आप एक एक प्लीट को पकड़ के खींचिएगा, तभी आपकी प्लीट्स एक बार में अच्छे से सेट होगी। इस तरीके से प्लीट बनाने से ना एक ही बार में एक तो प्लीट भी बन जाएगी, दूसरा आपको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद यहाँ पर प्रेस होती चली जाएगी। इस तरह से प्लीट्स बन जाने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ एक बार मैं वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज करूँगी। इससे पता चल जाएगा हमारी प्लीट्स इधर उधर तो नहीं है। अब देखिए बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। हैंड से प्रेस करते हुए मैं नीचे पैर के पास जो दबाई थी फैब्रिक को उसे छोड़ दी हूँ पल्लू वाले। अब हमारा पल्लू रेडी हो चुका है, इसे अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए लेंथ को चेक करेंगे। यहाँ पर पल्लू की लेंथ हम घुटने से नीचे रखेंगे। सो थोड़ा सा मैं पल्लू को शॉर्ट कर रही हूँ इस तरीके से, जहाँ पर मुझे पल्लू को सेट करना है वहीं पर फाइनली मैं इन प्लीट्सों को एक बार अच्छे से पकड़ रही हूँ। इन प्लीट्स को पकड़ लेने के बाद हम वापस से लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए लेंथ को चेक करेंगे। हमेशा की तरह मैंने घुटने से थोड़ा सा नीचे रखा है पल्लू की लेंथ को। अब पल्लू को हम सिक्योर करेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। यहाँ पर देखिए ब्लाउज के जो शोल्डर की स्टिचिंग है उसके एक इंच बैक में जाकर मैंने प्लीट्स के साथ ब्लाउज के फैब्रिक को पकड़ते हुए सेफ्टी पिन को अंदर से इंसर्ट किया है। उसके शार्पनर्स को बाहर निकालेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पर वापस से अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए उसके शार्पनर्स को यहाँ पर सेफ्टी पिन को लॉक कर लेंगे।
सो इस तरह से हम शोल्डर में सेफ्टी पिन लगाते हैं। कभी भी आपको सामने की तरफ नहीं लगाना है, नहीं तो आपके शोल्डर की प्लेट्स बार बार सामने की तरफ गिरती रहेगी। अब हमारी शोल्डर वाली प्लेट सिक्योर हो गई है, इसे मैं हैंड से प्रेस कर रही हूँ ताकि फूली फूली ना दिखे। एंड जो सामने की प्लेटें एक बार अच्छे से हम इन्हें भी अरेंज कर लेंगे। हैंड से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये फूली फूली रहती है। अब देखिए इसका अंदर वाला बॉर्डर बस्ट एरिया पर सेट करना है, बट ये सेट नहीं होगी तो इसके लिए यहाँ पर देखिए फिंगर को आपको सामने की तरफ रखना है एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप का प्लीट बनाना है, यानी थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब ये अच्छे से आपके बस्ट एरिया पे सेट हो जाएगी। यहाँ पर हम छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के अंदर से सिक्योर करेंगे ये जो प्लीट हमने बनाई है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा बॉर्डर कितने अच्छे से बस्ट एरिया पे सेट होगा, नहीं तो कॉटन की साड़ी में जल्दी सेट नहीं होता है। अब ये जब सामने की तरफ अच्छे से सेट हो जाए तो फैब्रिक को इस तरीके से लेते हुए कमर के पास अच्छे से सेट करते हुए, बॉर्डर मुड़ा हुआ ना हो, सामने की तरफ टाइटली से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें बॉर्डर है, अगर हम सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे तो बॉर्डर मुड़ जाएगी। अब सेफ्टी पिन लगाते वक्त मैं आपको बताती हूँ न्यूज़पेपर लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रखती हूँ, इसमें इंसर्ट करती हूँ एंड इसके बाद इस सेफ्टी पिन को लगाने के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी साड़ी नहीं फटती है। अब कमर के पास फैब्रिक को अच्छे से हमें सेट करना है, इस तरीके से थोड़ा सा राइट की तरफ लेकर जाऊंगी मैं पेटीकोट के साथ। देखिए इसे हमें पकड़ना है साड़ी को एंड यहाँ पर जो हमने सेफ्टी पिन तैयार की थी इसको लेना है इस तरीके से जिगजैग स्टाइल में, पेटीकोट को लेते हुए जैसे हम स्टिचिंग करते ना वैसे ही सेफ्टी पिन को लगाएंगे। अब सेफ्टी पिन लग जाने के बाद हमारा हिप वाला पोर्शन तो टाइट हो गया है, बट यहाँ पर जो प्लीटें आती है वो अभी नहीं आई हैं, तो उसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा फैब्रिक को इस तरीके से राइट की तरफ उठाते हुए खींचना है एंड इसके बाद हम पतली पतली सी प्लीटें बनाएंगे। इस तरीके से 3 से 4 प्लीट बनाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो नीचे से आपकी साड़ी उठ जाएगी। अब इन प्लीटों को अच्छे से पकड़ते हुए थोड़ा सा राइट की तरफ खींचते हुए आपको पेटीकोट में टकिंग करना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टकिंग निकल जाती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। पेटीकोट के साथ आपको सेफ्टी पिन लगाना है जिससे हमारी साड़ी ना ख़राब हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लिया है, साइड से हमारा पोर्शन अच्छे से बन चुका है। अब ये जो साड़ियाँ हमारे पास बच गई हैं इनकी हमें प्लीटें बनानी हैं। सो देखिएगा यहाँ पर हम किस तरीके से प्लीट बनाते हैं। आपको नेवल से यहाँ पर पहले जो थोड़ा सा फैब्रिक राइट तक खोलना है, इसके बाद नेवल से 4 अंगुल आगे जाते हुए हम यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर और थंब से पहले साड़ी को पकड़ेंगे, सामने के 2 फिंगर में कैची की तरफ फंसाते हुए 1 by 1 हम प्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पर ये कॉटन की साड़ी है तो थोड़ा सा इस तरीके से झटकते हुए प्लीट बनाइएगा, नहीं तो ये नीचे से मुड़ जाती है या बीच में कहीं फैब्रिक फंस जाता है। तो इस तरीके से आप झटकते हुए प्लीट बनाएंगी तो ईजिली से बनेगी। हाँ ये फूली फूली ज़रूर है तो इसे हम बाद में सेट भी कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी साड़ियों की हमने यहाँ पर प्लीट बना ली है, बट यहाँ पर देखिए अंदर साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बचा होना चाहिए ताकि हम प्लीट्स को ईजिली से अरेंज कर पाए और टक कर पाए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर प्लीट्स बन जाने के बाद हमेशा की तरह हम ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। इस तरह से प्लीट्स अरेंज करने से नीचे से फर्स्ट साइड अनइवन नहीं नज़र आती है। अब हमारी प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद जो फर्स्ट प्लीट है इसे हम ओपन करेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए फर्स्ट प्लीट को यहाँ पर हम चौड़ी करेंगे। कभी भी फर्स्ट प्लीट चौड़ी ज़रूर बनाते हैं, नहीं तो आपकी ये फर्स्ट प्लीट बाकी की प्लीट से दूर भागने लगती है। सभी प्लीट्स को इक्वल करते हुए यहाँ पर पकड़ेंगे एंड यहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन लगा सकती हैं, बट मैं सेफ्टी पिन नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी दूरी पर मैं 1 by 1 प्लीट्स को पहले अरेंज कर लूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये फूली फूली है तो इसे हैंड से प्रेस कर देना है ताकि इसका जो कड़कपन है यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ हो जाए। एंड इस वाले पार्ट पर मैं देखिएगा यहाँ पर साड़ी पिन लगा रही हूँ। ये इस तरीके की साड़ी पिन आपकी साड़ी को ख़राब नहीं करती है, ये प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए स्पेशली बनाई जाती है, आप देख सकती हैं। सो इस तरह की साड़ी पिन आपको ईजिली से ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैं फिर से 1 by 1 प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। प्लीट्स अरेंज करने के बाद इसे फिर से प्रेस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूली फूली है। फिर मैं थोड़ा सा देखिए नीचे की तरफ फिर से जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर रही हूँ क्योंकि ये प्लीट एक बार ख़राब हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। कॉटन की साड़ियों में एक बार आप प्रेस करेंगी वो वैसे ही बैठ जाएगी, इसलिए आराम से प्रेस करना है। आधा पार्ट रेडी कर लिया है मैंने, इसके बाद हम यहाँ पर टेबल पे बैठ जाएंगे आराम से एंड झुकते हुए नीचे की तरफ देखिए ऊपर से जो हमने प्लीट अरेंज किया उन्हीं को पकड़ते हुए यहाँ पर, ये आपको नज़र आएगी खुद ब खुद जब आप बैठकर इसे खींचेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम खींचते हुए 1 by 1 प्लीट्स को अरेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, झुकने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकती हैं। देखिए ईजिली से आप प्लीट्स को पकड़ के खींचेंगी फिर हैंड से प्रेस करेंगी
तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्लीट यहाँ पर बैठ जाएगी। सो हमेशा कॉटन की साड़ी को आप इस तरीके से आराम से बनाइए। तो इनकी प्लीट्स देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बैठ चुकी है। अब ये देखिए एक भी प्लीट आपको फुली नहीं दिखेगी, सभी प्लीट्स को हम इक्वल करते हुए अरेंज कर लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी प्लीट्स बन चुकी है, तो हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पकड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अपने पेटीकोट में हमें टकिंग करना है। सो यहाँ देखिए नेवल के ठीक सामने रखते हुए जहाँ मुझे टकिंग करना है, फाइनली मैं वहीं पर वन बाई वन प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। एंड इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में हम इन प्लीट्स को टक कर लेंगे। प्लीट्स हमारे टक हो जाने के बाद देखिए राइट साइड का ये जो थोड़ा बहुत ओपन पार्ट रह जाता है, इसे भी आपको अच्छे से टकिंग कर लेना है। इस तरह से टक कर लेने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर हैंड से प्रेस करना है ताकि फूली ना लगे। अब देखिए हमारा जो प्लीट है काफ़ी अच्छे से बन चुका है। एंड यहाँ पर पल्लू से हम इसे कवर करते हुए पल्लू की प्लीट्स को ठीक करेंगे, क्योंकि ये बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं वन बाई वन अरेंज कर ली हूँ। इस तरीके से अरेंज करने के बाद जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लीट आ रहा था कमर वाला, मैं इसे भी इस तरीके से अरेंज करते हुए हैंड से प्रेस कर दूंगी ताकि ये फूली ना दिखे। एंड ये जो प्लीट है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। इसके बाद से आप देख सकती हैं यहाँ पर हमारा जो फाइनल लुक है वो कम्प्लीट हो गया है। सो इस तरीके से आप अपनी कॉटन की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर सकती हैं, वो भी बिना किसी के हेल्प के। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रेपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।